हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 9th मार्च 2020। इंपॉर्टेंट वीकली एमसीक्यू ऑफ मार्च हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो 9th मार्च के जो भी एमसीक्यू होंगे उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली उससे रिलेटिव सामान्य ज्ञान को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी रिवाइज एमसीक्यू हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे। ओके, 6th, 7th, 8th मार्च के जो भी एमसीक्यूज रहेंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, और उड़ीसा नामक स्टेट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2020 को मनाया गया, इसके लिए विषय क्या रहा है? तो आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मिशन इनोवेशन के तहत एकीकृत स्थानीय ऊर्जा प्रणाली के विकास पर काम करने के लिए किस राष्ट्र संघ के साथ भागीदारी की है? तो यूरोपीय संघ के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 प्रतिवेदन में दी गई सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 83वां और फ्री श्रेणी में अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 प्रतिवेदन की दी गई सूची में पहला स्थान किस देश का है? तो वो है फिनलैंड का, उसके नीचे आता है नॉर्वे, फिर स्वीडन, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के लिए नई ट्रेन कौन सी है जो सभी महिला चालक दल द्वारा संचालित की जाती है? तो वो है यशवंतपुर कारवार वास्को द गामा एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2020 को किस शहर में पुलिस अनुसंधान एवं विकास विभाग द्वारा पुलिस और CAPFS में महिला विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2020 को किस शहर में महिला उद्यमी सशक्तिकरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020-21 के लिए CII उत्तरी क्षेत्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निखिल सावनी जो है CII उत्तरी क्षेत्र के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 वर्षीय धाविका कौन है जिन्हें बस 2019 के लिए प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है मान कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी राज्य सरकार है जो अन्ना भाग्य योजना के तहत मुफ्त तुर दाल दे रही है? तो वो है कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में ममित जिले में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2020 को किस राज्य विधानसभा ने अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन अभियान के तहत शहरी विकास एवं आवास विभाग की 7,213.71 करोड़ रुपए की मांग को पारित कर दिया है? तो वो बिहार सरकार ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा आई एम ऑल्सो डिजिटल नाम से साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? तो केरल सरकार ने ये आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक अभियान को शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी चिकित्सकों को किस दवाई से कोरोना वायरस रोगियों के उपचार में अच्छी सफलता मिली है? तो टोशिलिज़ुमाब एक्सडेमा ब्रांड की एक दवाई है, उससे कोरोना वायरस के रोगियों के उपचार में सहायता मिली है। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है 9th मार्च की, उससे जो भी सामान्य ज्ञान है उसको देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड याची की स्थापना कब हुई? बस 2017 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहली डीलक्स ट्रेन कौन सी थी? तो डेक्कन क्वीन थी, जो कि दक्कन की रानी इसे कह सकते हैं। स्वच्छ सस्ती ऊर्जा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से वाणिज्यिक अवसरों को बनाने के लिए किस व्यक्ति द्वारा 2015 में मिशन इनोवेशन शुरू किया गया था? तो बिल गेट्स के द्वारा मिशन इनोवेशन की प्रारंभ कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्य कौन कौन से हैं? तो फ्रांस, चीन, रसिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जो हैं UNSC के संयुक्त स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 15, 2 साल के कार्यकाल में चुने जाने वाले 10 अस्थायी सदस्यों के साथ। अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो जून 2015 में अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे अमृत के नाम से भी जानते हैं हम। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? तो 1895 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को मनाया गया है। सेंटर फॉर लैंड
वॉरफेयर स्टडीज द्वारा आयोजित दो दिवसीय भारतीय सेना की प्रज्ञान परिषद 2020 4 मार्च 2020 को कहाँ शुरू हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी नामक अमेरिका के संस्थान के अनुसार भारत दुनिया में किस स्थान पर है जहाँ कर बचाने के लिए सबसे अधिक व्यापार संबंधी अवैध वित्तीय प्रवाह है? तो तीसरे स्थान पर है, 83.5 अरब डॉलर को अवैध व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 सार्वजनिक बैंकों के विलय से 4 बड़ी बैंक तैयार करने की मंजूरी दे दी है, वह बैंक कौन कौन से हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जेशन होगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया उसका भी पंजाब नेशनल बैंक में मर्जेशन हो जाएगा, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्जन होगा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जेशन हो जाएगा और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, भारत के राष्ट्रपति ने कितने कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 15 वार्षिक ललित कला अकादमी से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवासी भारतीयों द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड कंपनी में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए मौजूदा FDI नीति में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है? तो 100% तक मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फार्मा 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन का आयोजन 5 मार्च से 7 मार्च 2020 तक कहाँ किया गया था? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4 मार्च को कहाँ स्वच्छ भारत अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में शुभारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्च को किस शहर में 35वां आहार खाद्य और आतिथ्य मेला शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में आतिथ्य मेला शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्च को किस शहर में 68वीं अखिल भारतीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता 2019 भी शुरू हुई थी? तो भानु में, हरियाणा के पंचकुला जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में स्नातकों के छात्रों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जीवन कौशल नामक पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन कांग्रेस 2020 में बेस्ट के 12 पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? तो मैकमिलन एजुकेशन इंडिया। वह भारतीय महिला कौन है जिन्होंने नवीनतम ICC के महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है महिला सैफाली वर्मा जी। प्रसिद्ध रंगोत्सव 3 मार्च 2020 को किस शहर में शुरू हुआ है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। 4 मार्च को राज्य विधानसभा में घोषित की गई उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो वो है गैरसैंण, जिला चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है? तो DGP बने हितेश चंद अवस्थी, अभी तक थे ओम प्रकाश जी। दंगा नियंत्रण क्रियाओं में तैनात महिला सैनिकों की सुरक्षा के लिए फुल बॉडी प्रोटेक्टर विकसित करने वाली व्यक्ति महिला कौन है? तो वो है डॉक्टर श्वेता रावत। वह व्यक्ति कौन है जिसने सफलतापूर्वक सेप्टिफ्लो TM तकनीक के विकास का नेतृत्व किया जो सेप्टिसीमिया जीवाणु का तेजी से और सस्ता निदान करने में उपचार प्रदान करती है? तो वो है डॉक्टर सालिनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुरक्षा बल ने बल शक्ति पुरस्कार की स्थापना की जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले कर्मियों को सालाना दिया जाएगा? तो 1,00,000 रुपये और दिए जाएंगे, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और एक शील्ड भी दी जाएगी। तो इस CRPF ने इसकी शुरुआत की है। EPFO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर लगाए गए नई ब्याज दर कितनी है? तो वो 8.50%, इससे पहले 8.65% थी। WWF द्वारा घोषित बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर कौन सा है? तो वर्ष 2020 बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डेनिस शमिगेल जो हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री बने हैं। दुनिया की पहली सरकार कौन सी है जिसने सार्वजनिक परिवहन को नागरिकों के लिए मुफ्त कर दिया है? तो वो है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 माह के लिए नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान किस जिले का रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश के नामशाई जिले का आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान रहा है। द्वितीय स्थान पर झारखंड का लातेहार जिला रहा है और तृतीय स्थान पर राजस्थान का धौलपुर जिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेबरेट टू क्रिएट सस्टेनेबल ग्रोथ इन आवर फ्रैक्शन वर्ल्ड विषय के तहत 6 मार्च 2020 को आयोजित प्रथम इकोनॉमिक टाइम्स वैश्विक व्यवसाय शिखर परिषद का स्थल क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स पर निवेशकों द्वारा शिकायतों को दर्ज करने के लिए नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो वो है सेवी स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नवनियुक्त प्रमुख कौन है? तो सिंगापुर के डेरेन तांग।
ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसिस गरी की जगह हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के पुनर्नियुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजीव नौटियाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख और पेरू के प्रधानमंत्री जिनका 4 मार्च 2020 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो पेरेस डी कोयलर उनका नाम है। हॉकी इंडिया के साथ मिलकर भारतीय खेल प्राधिकरण मार्च से नवंबर के बीच खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का आयोजन किन 3 शहरों में होगा? तो नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ये आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 के छात्रों को कक्षा 1 या क्लास 1 से 5 के छात्रों को तनाव मुक्त वातावरण में सीखने के उद्देश्य से किस जिले में नो बैग डे कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो गंजम जिले में नो बैग डे कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्मार्टफोन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना के तहत स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष के 14,608 छात्रों को 5,000 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराज्य सरकार जीसी मुर्मू ने किस शहर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? तो जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की 590 किलोमीटर की तटीय रेखा को जल्द ही पारंपरिक ग्रेनाइट दीवार की बजाय जियो ट्यूबों से सुरक्षा मिलेगी? तो वो केरल सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 2020 के दौरान महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि कितनी % रही होगी? तो वो रही होगी 5.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 के दौरान अखिल भारतीय GDP में सभी राज्यों के बीच महाराष्ट्र के योगदान का औसत हिस्सा कितना रहा है? तो 14.3% महाराष्ट्र का औसत हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय संस्थान कौन सी है जहां आपदा प्रबंधन के लिए पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल विकसित किया गया है? तो वो है पाउडर धातुकर्म एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत संस्थान हैदराबाद। ओके, तो अब स्टेट की बात करेंगे ओडिशा की। तो ओडिशा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। जिले 30 हैं, राजभाषा ओडिया है। गठन अगर ओडिशा का पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो है 147 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और लोकसभा की सीटें जो है 20 हैं। ओडिशा, जिसे पहले ओडिशा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा उत्तर में झारखंड, उत्तर और ओडिशा के उत्तर में झारखंड है, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यह उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है जिस पर 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित हो बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिया था। आधुनिक ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी। इसे नए राज्य के नागरिक जो थे वो अधिकांश ओडिया भाषी थे। राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा जो है भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। ओडिशा राज्य की आधिकारिक और सबसे तेज बोली जाने वाली भाषा भी है। भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार ओडिसी की 93.33 जनसंख्या ओडिया भाषी है। पारादीप को छोड़कर राज्य की अपेक्षा कर सपाट तटरेखा, लगभग 480 किलोमीटर के अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। संकीर्ण अपेक्षाकृत समतल तटीय पट्टी जिसमें महानदी का डेल्टा क्षेत्र शामिल राज्य की अधिकांश जनसंख्या का घर है। भौगोलिक लिहाज से उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, लेकिन दक्षिण में महानदी, ब्रह्माणी, सालंदी और बैतरणी नदियों का उपजाऊ मैदान है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से चावल उत्पादक क्षेत्र। राज्य में आंतरिक भाग कम आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं। 1672 मीटर ऊंचा देवमाली राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। ओडिशा में तीव्र चक्रवात जो है आते रहते। ओडिशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, वो की मिट्टी का बांध है। ओडिशा में कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे जनकपुरी है, कोणार्क है, भुवनेश्वर सबसे प्रमुख हैं, जिनमें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जिसकी रथयात्रा जो है विश्व प्रसिद्ध है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने के
देखने प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। ब्रह्मपुर के पास जोगदा में स्थित अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख और कटक का बारवाटी किला भारत के पुरातत्व के इतिहास में महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का MCQ। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे डेली मोशन और शेयरचैट वेबसाइट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप हम अगर कोई क्वेरी है आपकी तो मेंशन कर सकते हैं। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक में दिया हुआ है, वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए, आपको हमारे खबरी ऐप पर जाना है, तैयारी बिगनर्स की सर्च करना है, वहाँ फॉलो भी करना है और ऑडियो रिवीजन भी वहाँ से कर लेना है, जिससे आपको 10 times बेटर्स आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। जब तक आप सफल नहीं हो जाते और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।